अगर किसी चीज का इतिहास पता हो तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं उस चीज के बारे में, उस चीज की श्योरिटी रहते हैं, हम बोलते हैं बिल्कुल ये है। तो हमें जानना होगा एफिलिएट मार्केटिंग की क्या हिस्ट्री रही है। ये इसलिए भी जानना जरूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे और ऐसे ऑब्जेक्शन लेके आएंगे कि ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कीम है, ये तो स्कैम है। तो आपको उनको क्लियरिटी देने के लिए इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग एक जेन्युइन इंडस्ट्री है। तो इसलिए इतिहास आपको समझना है और लोगों के साथ शेयर भी करना है। सो व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो हमें चलना होगा 1989 में, उस दौरान ही www.com आया था, जैसे कि आपको जानते हो। उस दौरान एक असंख्य पर्सन था, पागलपन था, उसने 15 से ज्यादा स्टार्टअप किया था, जिसने इजाद की थी एफिलिएट मार्केटिंग। एक ऐसा पर्सन जो ऑथर भी है, इन्वेस्टर भी है, जो बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन भी था शायद, वो अभी है नहीं। तो 1989 में विलियम जे टॉबिन, जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को इजाद किया था, या फाउंडर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग जो थे वो थे विलियम जे टॉबिन। उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पहले भी की जाती थी, लोग प्रमोट करते थे, रिकमेंड करते थे, लेकिन इसके पैसे नहीं मिलते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को इंटरनेट से रिकमेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनको अर्निंग करने का मौका दिया जाए। उन्होंने 1989 में भी ये चीज सोच ली थी, और उन्होंने उनकी कंपनी थी पीसी फ्लोवर एंड गिफ्ट.कॉम, उसमें ये आइडिया उन्होंने आजमाया, लोगों को पसंद आने लगा, और उन्होंने वेबसाइट पे कुछ चीजें gift.com और पीसी फ्लोवर पे धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटर रजिस्टर करना स्टार्ट किया। करीब करीब 1994-1995 तक 2500-2600 ऐसे लोग जो एफिलिएटर बन गए थे उनके साथ, और डेडिकेटेडली प्रमोट कर रहे थे उनके प्रोडक्ट और सर्विस को। और एफिलिएट मार्केटिंग को 1995 के अंदर उन्होंने पैटेंट भी करवा दिया था। उनको पता था, उन्होंने देख लिया था ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में गेम चेंजर होने वाली है। तो धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत सारी कंपनीज एक्सेप्ट करने लगी। फिर दौर आया 1996 का, जब अमेजोन ने सोचा क्यों ना मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के सामने रखूं जिससे मेरी बुक्स को प्रमोट कर सके। वैसे आपको मैं बता दूं, अमेजोन जो आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, उस टाइम वो ओनली बुक सेल किया करती थी डिजिटली ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा। तो उन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया और उसको बोलते हैं एसोसिएट प्रोग्राम। एसोसिएट प्रोग्राम 1996 में उन्होंने जनवरी 22 जनवरी के आसपास ये लॉन्च किया था, और लोगों को पसंद आने लगा, लोग उनकी बुक को रिकमेंड करने लगे, उनके एफिलिएट बनते और अपना लिंक लोगों के साथ शेयर करते, जिससे लोग उनकी बुक परचेज करते और एफिलिएट मार्केटर को कमीशन मिल जाता। ये धीरे धीरे चलने लगा, बहुत सारी कंपनी जाने लगी। उसी दौरान क्लिक बैंक, जो आप सारे लोग जानते होंगे अगर आपने थोड़ी बहुत इस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च किए, 1998 के दौरान क्लिक बैंक है, जिसके पास आज 15 लाख से ज्यादा एफिलिएट मार्केटर है। और फिर क्या, ये दौर ऐसे ही चलता रहा। अगर आज की मैं बात करूं, आज के टाइम में हर इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करवाने के लिए एफिलिएट मॉडल को प्रीफर करती है, बिकॉज इसके अंदर कहीं ना कहीं रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। सेलिब्रिटी के साथ पैसा नहीं वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटी जब कॉन्ट्रोवर्सी में आ जाती है तो उनका प्रोडक्ट बिकना भी बंद हो जाता है। वैसे ही आज एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिकल इंडस्ट्री हो, ट्रेवल इंडस्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्री, ईच एंड ये आप नाम देख सकते हैं, इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल को यूज कर रहे हैं। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील, जितनी भी कंपनीज हैं जो मल्टी ब्रांड कंपनीज हैं, वो आज इस मॉडल को यूज कर रही है। और अपन अब लिस्ट देखते हैं कि कितनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है टॉप अर्नर्स की। वर्ल्ड लेवल पे एक चीज जानी है कि कितने लोग कितने रुपए कमा रहे हैं। इस लिस्ट को आप देखिए कि कितने बड़े स्केल पे लोग पैसा कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। सो दिस इज नॉट ए स्मॉल इंडस्ट्री। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानी है हमने, इसका फ्यूचर जान लेते हैं। व्हाट इज फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केट। आज एफिलिएट मार्केटिंग हर इंडस्ट्री अडॉप्ट कर चुकी है, चाहे ट्रेवल इंडस्ट्री हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री, XYZ, सारी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं जो एफिलिएट मॉडल को अपनी सेल के लिए, प्रमोशन के लिए यूज कर रही है। और ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि आप सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को पैसा ना देके आप नॉर्मल लोगों को चांस दो उनको एफिलिएट करने का, और उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भी रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, कंपनी का भी अच्छा फायदा हो जाता है।
अब फ्यूचर क्या, अभी के टाइम में करीब करीब 6 मिलियन का जो टर्नओवर है वो ओनली अमेरिका देती है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और अलग अलग कंट्रीज है वो टोटल मिला के 12 बिलियन, सॉरी फॉर दैट, 6 बिलियन और 12 बिलियन, वर्ल्ड वाइज लेवल पे 12 बिलियन का टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री का। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप अपना फॉर्च्यून आजमा सकते हैं, ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग एज ए करियर इसको करते हैं, आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो होने वाली है। ये तो बस इंडस्ट्री का बचपना है, ये बस इस इंडस्ट्री को लोग जानने लगे हैं, आने वाले टाइम में हर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होगा, इस इंडस्ट्री का फायदा उठा रहा होगा। तो आपको करना है क्या, आप अभी इस राइट टाइम में इस इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं तो इसके अंदर जितनी मेहनत लगा सकते हैं, जितनी अपनी पहचान बना सकते हैं उतनी पहचान बनाइए, और जितने कमा सकते हैं, जितने रोकड़ा छाप सकते हैं उतने रोकड़ा छापिए, पैसे कमाइए। ओके, सो ये थी हिस्ट्री, और फ्यूचर बहुत इसका ब्राइट है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप बेझिझक काम कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको बोलता है कि ये इंडस्ट्री जेन्युइन है या नहीं है तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को अगर आप ऐसे इतिहास बताओगे, कुछ फैक्ट के साथ बात करोगे, तो लोग सच में आपकी बात भी सुनेंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।